हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बॉटम वेयर्स के बारे में। सो यहाँ पे होने वाले हैं कुछ जीन्स एंड कुछ स्कर्ट। सो आई थॉट लेट्स डू सम मिक्स काइंड ऑफ का हॉल, जिसमें होगा बॉटम वेयर के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट जिसमें जीन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेयर की हुई है पास्ट में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा स्कर्ट्स भी शेयर किया जाए। बिकॉज अमेज़ॉन से अब तक मैंने कोई भी स्कर्ट्स ऑर्डर नहीं की हुई थी, ना ही ट्राई की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करा जाए, जीन्स के साथ स्कर्ट भी ट्राई कर लेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं एंड इनमें से 3 या 4 जीन्स है, बाकी के जो है वो स्कर्ट है। सो हम 1 by 1 सबके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। सो जो प्रोडक्ट्स जो क्लोथ्स है ना, दैट इज लाइक सम आर अंडर 500, सम आर अंडर 600, सम आर अंडर 1000 रुपीज़, not 100, 1000 rupees। सो विल टॉक अबाउट इट एंड लेट्स नॉट मेक दिस इंट्रो वेरी बिग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर हॉल। सो फर्स्ट जीन्स हेयर आई हैव दिस, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इसके साथ थोड़ा एक्सपेक्टेशन ख़राब हो गया है, बिकॉज अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो यू नो दैट माय हाइट इज़ 5'7" एंड मेरे को सारी चीज़ें चढ़ने लगती हैं, तो मुझे साइज़ देख के, मतलब साइज़ इन द सेंस मुझे लेंथ देख के ऑर्डर करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे जो यू नो फोटो में दिख रहा होता है कि इस मॉडल को इस लेंथ तक आया है, वो मुझे डेफिनेटली छोटा हो जाता है। सो व्हाट आई डू, आई चेक प्रॉपरली कि मॉडल जो पहनी हुई है उसका हाइट क्या है एंड इसका लेंथ वगैरह कितना होगा, वो सारी चीज़ें चेक करके मैं मंगाती हूँ। बट दिस टाइम आई सॉ दैट, मैं पिक्चर भी शेयर करूँगी कि उसको ना एक नॉट फुल लेंथ बट हाँ अच्छा लेंथ में बैठा है मॉडल का, जो मॉडल ने जो पहना हुआ है। बट ये पैंट यार मुझे एंकल लेंथ से भी ऊपर हो रही है एंड आई फाउंड इट वेरी वियर्ड वाइल वेयरिंग। बट मैंने इसे जिस शर्ट के साथ पैर किया है उसके साथ अगर मैं स्नीकर्स या हील्स पहनूँ तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा। मतलब इट्स नॉट बैड एट ऑल, इट्स इन गुड क्वालिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट। बिकॉज मेरी हाइट के वजह से ना मुझे ये यू नो थोड़ा शॉर्ट हो गया, अदरवाइज इट्स गुड। इफ़ यू आर यू नो 5'2", 5'4" और मतलब बिलो 5, इट विल फिट यू वेरी नाइसली द लेंथ एंड ऑल एवरीथिंग। बट बिकॉज ऑफ द लेंथ फॉर मी इट इज़ नो, बट लेट्स सी। मैंने स्टाइल करके यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी, आप देख के बताना कि कैसा लग रहा है। सो ये कुछ इस तरीके का है, इट्स लाइक एंड ना वन मोर थिंग कि पता नहीं कैसे बट मैंने ऑलमोस्ट सेम जीन्स ही, मतलब सेम काइंड ऑफ के पैटर्न में ही अलग अलग कलर में जीन्स ऑर्डर करे हुए हैं, तो देखते हैं आगे। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है एंड पॉकेट्स आपको यहाँ पे से स्क्वायर पैटर्न का जो स्टिच होता है ना, जस्ट स्टिच वैसा मिल जाएगा। ये ऐसे ऊपर से जॉइंट नहीं है, जस्ट स्टिच है एंड पॉकेट्स मिल जाएंगे आपको। पीछे भी पॉकेट मिल जाएगा यहाँ पे 2, साथ में आपको यहाँ पे भी पॉकेट्स मिल जाएंगे, थाई के जस्ट नीचे लाइक नी के अराउंड आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे। सो सारे पॉकेट्स आप बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर शो इट हैज़ गिवन, यू कैन यूज़ इट। एंड बैक साइड में जो वेस्ट है ना, दैट इज़ इलास्टिक वेस्ट, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो, बिकॉज उसका मटीरियल एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड। यहाँ पे सामने से आपको इस तरीके का बटन मिल जाएगा बंद करने के लिए एंड चेन मिल जाएगा। सो ओवरऑल इट्स नाइस एंड मैंने इसे 28, मतलब यहाँ पे जितने भी जीन्स है सारे 28 साइज में है, तो सारे मुझे काफ़ी अच्छे बैठे हैं। बस एक जीन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लूज है एंड वो बड़ा आ गया, तो मुझे उसे एक्सचेंज करना है, बट द थिंग इज उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स सी हाउ आई विल मैनेज। सो या दिस इज हाउ इट इज़ एंड लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट जीन्स। सो यहाँ पे इसका जो ब्रांड है दैट इज़ फ्रॉम गलवीज एंड गलवीज द फैशन ट्रेंड। नाउ आई हैव दिस जीन्स फ्रॉम कोटी। सो यहाँ पे मैं ऊपर ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, कोयल की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, बहुत ही प्यारा बोल रही है आजकल हमारे यहाँ पे आके, कोयल बहुत अच्छा बोलती है सुबह शाम दिन रात, अगर रात को तो नहीं बट दिन भर चालू होता है कोयल की आवाज़ एंड बहुत प्यारी होती है आवाज़, तो मे बी कैप्चर हो रहा होगा तो आपको भी सुनाई दे रहा होगा। सो एनीवेज, तो यहाँ पे ना मैं ऊपर लिंक लगा दूंगी, मैंने कोटी का एक प्रॉपर हॉल शेयर किया हुआ है जिसमें से आई थिंक एक ही जीन्स जो थी वो अलग ब्रांड की थी, अदरवाइज सारे कोटी के थे।
And guys, you need to try Coty brand. They have literally very affordable range in bottom wear, because टॉप में भी है आई थिंक सो उनके, बट ज़्यादा करके मैंने बॉटम वेयर ही देखे हैं, चाहे वो ट्राउजर्स हो गए, चाहे वो जीन्स हो गए, आई मीन बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है. दिस जीन्स इज जस्ट फॉर 499 rupees एंड द क्वालिटी इज ओ माई गॉड सो गुड. लेंथ, हाइट, द पैटर्न एंड इट्स हाई वेस्टेड. बोलते ना वो सोने पे सुहागा वाला सीन हो गया मेरे साथ, बिकॉज It's actually good. So ये कुछ इस तरीके का है. It's in a grey color and जो shade है it's like ऐसे color में ना मेरे पास एक jeans already है जो कि plazo pant है. It's a normal straight मतलब plazo pant, इसमें extra pockets वगैरह नहीं है, but इसमें ये थोड़ा सा pattern type का है. इसमें यहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा जिसके ऊपर से कपड़ा जॉइन करके यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो. पॉकेट्स मिल जाएंगे, पॉकेट्स का जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा है. पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे नीज के यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएगा. सो ये आपको थोड़ा सा ऐसे ट्राउजर्स का भी फील देगा. एंड इस टाइप के जीन्स काफ़ी चल रहे हैं ट्रेंड में, तो यू कैन ट्राई. And this is just for 400 rupees and the quality is too good. यहाँ पे आपको ये pocket मिल जाएगा and the length is too good. It's a straight pant, like a straight pant. And जो पहले वो you know 2000s and 1990s के time पे जो bottom flare bottom pant चलते थे ना, अब तो वो काफ़ी trend में आ रहे हैं, तो आप वो भी try कर सकते हो. सो ये कुछ इस तरीके का है. ओवरऑल इट्स टू नाइस एंड हाई वेस्टेड होने की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ओवरऑल इट्स गुड. इसमें आपको कलर ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो. अब बात करते हैं नेक्स्ट जीन्स की. सो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक जीन्स जो है वो मुझे थोड़ी सी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत ज़्यादा लूज आ गई है. इतनी ज़्यादा लूज आ गई है ना कि मैं क्या बोलूँ, मेरे से और दो तीन साइज वाले लोग को ये आराम से फिट हो जाएगा. सो मैंने इसे ऑर्डर किया था 28 साइज में, बट ये आ गई है 32 साइज में, तो बहुत ही ज़्यादा लूज है. बट आई लाइक दिस जीन्स. अगर मुझे साइज़ अवेलेबल मिल जाएगी तो मैं इसे बहुत ही जल्द एक्सचेंज कर दूंगी, बट अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है. सो इट्स इन अ बेज नहीं बोलूँगी इसे मैं, ऑफ वाइट कलर का है. सो इस टाइप के जीन्स ना आपके कलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है. देखो, एक ब्लू ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक ऑफ वाइट ले लो. वाइट में मत जाओ क्योंकि वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ लगा तो गंदा हो जाता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है. इन शर्ट आप ऑफ वाइट में जा सकते हो. तो ये दो तीन कलर्स ना बहुत बोलते हैं ना, मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सारे टॉप्स के साथ पहन सकते हो. आपको इससे ज़्यादा जीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मैंने ब्लैक जीन्स में ही बहुत टाइम निकाल लेती हूँ वैसे तो. मैं भले ही मेरे पास रहता है, बट फिर भी ब्लैक जीन्स सबके ऊपर चल जाता है, तो मैं खुद ही ब्लैक जीन्स पहन लेती हूँ और सारे टॉप्स के ऊपर चल जाता है. बट यू नीड टू हैव दिस थ्री कलर्स एंड ये कलर्स के साथ आप कोई भी टॉप पेयर कर सकते हो आराम से. सो ये कुछ इस तरीके का है. एंड आगे से आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी साइड में आपको ट्राउजर्स वाला फील वाला पॉकेट मिल जाएगा. आई मीन यहाँ पे सारे ही लाइक काइंड ऑफ ट्राउजर्स जीन्स ही मैंने ऑर्डर करे हुए हैं. एंड पॉकेट्स मिल जाएंगे, पीछे से आपको बैक साइड में दो पॉकेट्स मिल जाएंगे. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. इसका लेंथ वगैरह लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेस्ट साइज बहुत ही ज़्यादा लूज है ये. एंड आई डिडंट लाइक द देन ओवरऑल जो आउटकम होता है ना वो मुझे नहीं पसंद आया. अदरवाइज इट्स गुड. अगर आप 30 या 32 में अगर आपका साइज़ 30 या 32 है तो आप जा सकते हो इसके साथ, बिकॉज ये साइज़ अवेलेबल है फिलहाल. 28 साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो लेट मी सी, अगर मेरा लक अच्छा होगा तो मुझे मिल जाएगा. सो या बात करते हैं नेक्स्ट जीन्स की एंड लास्ट जीन्स की. यहाँ पे हमारे पास चार जीन्स है, तो ये चौथा जीन्स है. सो ये कुछ इस तरीके का है. ओवरऑल इसका पैटर्न ना मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज काफ़ी अच्छा सा पैटर्न है. एंड इट्स गिविंग मी दैट 2000s and 1990s के टाइम पर जो जीन्स चलता था ना उसका वाइब दे रहा है मुझे. एंड नीचे से बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो इसके साथ कुछ हाई हील्स या फिर कुछ हाई शूज़, हाई हील वाले शूज़ काफ़ी अच्छे लगेंगे. ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा. ये स्ट्रेचेबल है, आई मीन सारे जीन्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे स्ट्रेची है. सो ये स्ट्रेचेबल है एंड इसका पैटर्न वगैरह काफ़ी अच्छा है. आगे इस तरह के दो पॉकेट्स मिल जाएंगे एंड पीछे भी पॉकेट्स मिल जाएगा.
ओवरऑल इट्स रियली नाइस एंड इट्स अगेन स्ट्रेट फिट वाला पैंट. इसमें कोई भी ऐसा फ्लेयर वगैरह नहीं दिया हुआ है. सो ओवरऑल इट्स नाइस एंड इसमें कलर ऑप्शंस आई थिंक सो ही अवेलेबल है. अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज ये एक ही कलर था एंड ये डार्क ब्लू में काफ़ी अच्छा लग रहा है. मतलब इट्स गिविंग मी ओल्ड टाइम्स वाला वाइब्स एंड इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया. एंड इट्स नॉट हाई वेस्टेड, इट्स लाइक अ मिडल वेस्ट. इट्स नॉट हाई और इट्स नॉट लो, इट्स मिडल वेस्ट. तो ओवरऑल इट्स गुड एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट चीज़ों की जो मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं की है कभी भी अमेजोन से. एंड पर्सनली आई एम लाइकिंग इट. मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया. मैं यहाँ पे सामने ही जो वीडियो लगाऊंगी ना तभी ट्राई करूंगी. तो इसे मैंने जस्ट खोला है एंड आई लाइक द क्वालिटी. तो चलो वन बाय वन बात करते हैं. सो हियर आई हैव दिस फर्स्ट स्कर्ट. सो ये फ्लोरल स्कर्ट है. देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ये. ये ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे इसका वेस्ट काफ़ी अच्छा लगा. इट्स अ इलास्टिक वेस्ट. ये इलास्टिक वेस्ट जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव वाइब दे रहा है बिकॉज इससे ना जो वेस्ट है ना काफ़ी अच्छा क्लियर ऐसे सपोर्टेड दिखता है. अदरवाइज जो नॉर्मल चून वाले इलास्टिक्स होते हैं ना वो फोल्ड हो जाते हैं कभी कभी बैठने में उठने में. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसका जो लेंथ है दैट इज काफ लेंथ एंड आप इसके साथ कुछ ब्लैक टॉप वगैरह पहनोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा. या फिर ब्लू टॉप भी पहन सकते हो. जो कपड़ा है दैट इज जॉर्जेट मटेरियल. अंदर से यहाँ पे लाइनिंग भी दी हुई है जो कि मुझे बहुत सही लगी इस प्राइस रेंज में. आई थिंक मैंने इसे कुछ 500 के अंदर या 600 के अंदर परचेज किया है. तो मुझे इसमें लाइनिंग भी दी गई है. ओवरऑल इट्स एक्चुअली नाइस. लाइक काफ़ी अच्छा बोलते हैं ना फ्लो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका. नीचे से काफ़ी अच्छा सिक्योर्ड पाइपिंग किया हुआ है बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जो प्लीटेड स्कर्ट्स होते हैं ना उसके नीचे पाइपिंग्स नहीं दी हुई होती हैं. वो डायरेक्ट कट वाला ही मिलता है. मतलब अब तक मैंने जितने भी खरीदे मुझे वैसा ही मिला है. सो ओवरऑल इट्स एक्चुअली गुड एंड जो पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्कर्ट की. सो यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर का स्कर्ट मंगाया है एंड आई लाइक द पैटर्न. काफ़ी अच्छा सा पैटर्न लगा मुझे. मार्बल काइंड ऑफ का पैटर्न दिया हुआ है बट द थिंग इज इसमें लाइनिंग नहीं है. तो इसमें कुछ ऐसा यू नो बॉय शॉर्ट्स या फिर बॉक्सर्स वगैरह पहनना पड़ेगा बिकॉज लाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका पैटर्न वगैरह काफ़ी अच्छा है. इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे बट आई लाइक दिस. यू नो इट्स लाइक अ पिंक मरून का मिक्स कॉम्बिनेशन एंड वाइट भी है इसमें प्लस प्लीटेड होने की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. सो ओवरऑल इट्स नाइस एंड यहाँ पे वेस्ट आपको जो है वो इलास्टिक वेस्ट मिल जाएगा. जो वेस्ट भी है वो काफ़ी अच्छा थिक बॉर्डर का दिया हुआ है तो सही है. एंड थोड़ा भी ऐसा बल्जी जैसा नहीं दिख रहा है बिकॉज अदरवाइज ऐसा जो इस टाइप के स्टिचिंग वाले इलास्टिक वेस्ट आते हैं ना वो थोड़े से बल्जी काइंड ऑफ के दिखते हैं. बट ये काफ़ी अच्छा स्टिचिंग किया हुआ है इसका एंड आप आगे पीछे जैसे चाहो वैसे पहन सकते हो बिकॉज कोई भी ऐसा साइड नहीं दिया हुआ. आगे पीछे पूरा सेम ही दिया हुआ है. ओवरऑल इट्स नाइस एंड आई लाइक द कलर. इसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल है मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा. अब इससे ही मिलता जुलता आई थिंक फ्रॉम द सेम ब्रांड या फ्रॉम द सेम ब्रांड जेवरलॉन. या जेवरलॉन इसका ब्रांड है. उताबू जेवरलॉन उताबू आई डोंट नो दो दो नाम दिए हुए हैं. ठीक है कोई बात नहीं. सो ये स्कर्ट है. ये स्कर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड देख रहे हो आप इसका पैटर्न. इट्स सो गुड एंड सो फ्रेश. पहले वाला भी काफ़ी फ्रेश लग रहा था. इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेश. ये काफ़ी ऐसे यू नो वाइब्रेंट कलर में है जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छा है. मेरा हाथ दुखने लगा है ऐसे पकड़ के. सो ये समर के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसमें आप मल्टीपल कलर्स के साथ जो टॉप है वो पहन सकते हो. वेस्ट जो है वो इलास्टिक वेस्ट दिया हुआ है. सेम ही ब्रांड का है तो सेम ही टाइप का है. बस इसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट है. ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. नीचे भी जो पाइपिंग की हुई है इसमें ऐसे कट करके छोड़ा हुआ नहीं है. ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगा. इसमें भी लाइनिंग नहीं दी हुई है बट कपड़ा काफ़ी डेंस है तो ऐसा नहीं है कि यू नो अच्छा नहीं लगेगा. कपड़ा डेंस दिया हुआ है इसमें. थिकनेस है बस आपको 3/4 स्लैक्स या फिर कुछ शॉर्ट्स वगैरह पहनना पड़ेगा दैट्स ऑल. ओवरऑल इट्स रियली नाइस एंड मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इलास्टिक वेस्ट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है एंड लेंथ जो है इसका ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा. तो मतलब फुल लेंथ इन द सेंस एंकल लेंथ तक मिल जाएगा. तो इट्स लुकिंग एक्चुअली गुड.
सो या गाइज, ये थे 7 बॉटम वेयर जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, एंड दीज आर लाइक, आप ना इसे जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जीन्स है तो आप इसे एज अ कैजुअल वेयर भी पहन सकते हो या फिर फंकी वेयर में भी पहन सकते हो. बस आपको देखना है कि आप कैसे स्टाइल कर रहे हो, दैट्स ऑल. देन स्कर्ट्स भी है जो कि समर में काफ़ी ट्रेंड में चलते हैं, प्लस दे आर सो फ्रेश इन कलर एंड सो फ्लोई. तो यू नो, सब आपसे पूछेंगे कि कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, जल्दी से बताओ मुझे कहाँ से लिया है. सो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय.